अडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी को बचाया था। हाल ही में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा तो बधाई देने वालों का तांता लग गया। देश भर से उन्हें बधाई संदेश आने लगे। राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि बीजेपी और अडवाणी एक दूसरे के जैसे पूरक हैं। बीजेपी को खड़ा करने वाले लोगों में अडवाणी का नाम अहम है, इसको लेकर राजनीति भी हुई। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि बाबरी को गिराने वालों को भारत रत्न दिया जा रहा है। अब एक विपक्षी दल की हैसियत से देखें तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की ओर से इस पर क्या टिप्पणी आई होगी? आप कहेंगे कि भाई जाहिर है विरोध किया गया होगा, लेकिन आप गलत हैं। जी हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने तो लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। जयराम रमेश ने कहा कि यह घटना साल 2002 की है जब लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को सीएम पद से हटाना चाहते थे। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुन लीजिए। दो में आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी को बचाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात को अपना राजधर्म याद दिलाया था और उनको उस पद से हटाने वाले थे गोवा में, आपको याद होगा। पर अगर एक व्यक्ति उस मुख्यमंत्री को बचाए थे गोवा में, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। जयराम रमेश ने कहा कि वो उन्हें राजधर्म याद दिलाना चाहते थे और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के खासे करीबी माने जाते थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को सत्ता छीनने से बचाया था। हालांकि दूसरी बात के जिक्र में उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वो आडवाणी ही थे, जब दूसरी घटना का मुझे जिक्र याद आता है तो फिर वो आडवाणी ही थे जिन्होंने 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शानदार इवेंट मैनेजर बताया था। हालांकि उनके इस कटाक्ष पर उनका जवाब उनके कमेंट सेक्शन में ही उन्हें मिल गया। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी इतने शानदार इवेंट मैनेजर हैं कि लोकसभा में कांग्रेस को हाशिए पर ले आए। श्री जयराम रमेश जी की कांग्रेस पार्टी को प्रबंधक वाली बात पर खुश ना होकर शर्मसार होना चाहिए। कांग्रेस में एक भी योग्य प्रबंधक नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सके और कांग्रेस को बुरी स्थिति से उबार सके। एक अन्य यूजर ने लिखा, बोफोर्स कांड के जनक आपातकाल की जननी को पहले ही भारत रत्न मिल चुका है, क्यों? इसके अलावा चाचा नेहरू ने कश्मीर मुद्दे, धारा 370 और 35A को जन्म देने के लिए खुद को भारत रत्न से सम्मानित किया। वहीं एक यूजर ने लिखा कि राजधर्म याद दिलाने वाले ने कांग्रेस पार्टी को वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण नहीं करने का याद दिलाया था या नहीं, ये तो बता देते। राजधर्म को मोदी जी से बेहतर कौन समझ सकता है जिन्होंने महज 10 वर्षों में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर दिखा दिया। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने जो कटाक्ष किया था उन पर उन्हें भर भर के इस तरीके से कमेंट आने लगे और यूजर्स ने अपना अपना मत इसमें रखा। कुल मिलाकर के उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ की लेकिन पीएम मोदी पर कटाक्ष करना चाहा, लेकिन उनके यूजर्स ने उन पर ही कटाक्ष कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।